मुझे डॉक्टर okay. uh, मतलब से तो नहीं सोचा था पर मुझे बायोलॉजी uh, ज्यादा पसंद थी hmm. और uh, मेरे फैमिली में भी एज सच कोई डॉक्टर है नहीं किया और फिर डॉक्टर बनने का सोचा आई वॉट एंथे में भी आपने अपियर किया था तो हाउ डिड यू स्कोर इन दैट एंथे uh, में मुझे हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिली थी आकाश में आपका experience अभी तक का कैसा रहा है? You've been here since 9th Standard. तो ये चार साल you know, चार साल पहले जो प्रगति थी और जो चार साल बाद वाली प्रगति है उसमें क्या differences आए? काफी ज्यादा चेंज है पहले मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है उसमें जर्नी वॉज अमेजिंग काफी सारी चीजें डिस्कवर की काफी कुछ सीखने को मिला आई वेरी लॉन्ग टाइम उन्होंने आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। वांट टू नो के व्हाट इज प्रगति एंड हाउ डिड शी मैनेज क्या उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे क्या hmm. उनके सब्जेक्ट थे जो उनको पसंद नहीं थे तो आई ओपन द रूम टू देम या प्लीज हेलो दीदी हाय मेरा एक डाउट hmm. तो uh, वो पढ़ी थी मतलब पढ़ा सब कुछ था लेकिन लास्ट टाइम में रिविजन के लिए पार्ट टू फिजिक्स की इलेवेंथ और ट्वेल्थ की भी मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है और जो थियोरिटिकल चैप्टर्स है जैसे ईएम वेव्स वगैरह हो गए वो सब और टाइम बाउंड आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते थे टाइम बाउंड करके करते थे या फिर स्टार्टिंग में आप पहले फ्रीली आप क्वेश्चन करते थे फर्स्ट टाइम जब कोई चैप्टर मैं करती थी तो फिर मैं बिना टाइम के करती थी मतलब मैक्स ऐसा था कि पांच मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन को नहीं देना है पर ऐसा नहीं कि एक मिनट में ही कोई क्वेश्चन कर देना है थैंक यू सो मच सो कमिंग अप टू आर नेक्स्ट सेगमेंट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड हम लोग उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे एंड प्रगति को और अच्छे से जानना चाहेंगे सो वी वुड लाइक टू कॉल प्रगति फादर ऑन द स्टेज प्लीज है कहते हैं कि सिर्फ बच्चे की मेहनत का फल नहीं होता है बच्चे की फैमिली का भी बहुत ही बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे के सक्सेस के लिए तो आपने प्रगति को किस तरह से सपोर्ट किया है उसकी इस जर्नी में सर मैम कभी उसने कुछ अपना जरूरत बताया है तो मैं उसको तुरंत पूरी करता था और उसको मतलब हमेशा उसको मोटिवेट करता था पढ़ाई के लिए और जो है उसको इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की वो अपने मन से ही पढ़ाई करती थी जब ये पढ़ाई करती थी आ, तो हम लोग तो जब तक सो जाते थे खाते, जाते थे खाना सो जाते लेकिन ये पढ़ती रहती थी और सुबह भी ऐसे जल्दी उठ जाती थी तो मेहनत तो इसी ने किया मैम अगर मैं बात करूं आकाश की तो आकाश ने जब आपने अपनी बेटी को एनरोल करवाया था तो क्या सोच के करवाया था और आज इस समय पर आपको कैसा लग रहा है मैम मेरी बच्ची पढ़ाई में तो ठीक थी अच्छी थी लेकिन मैंने जब आकाश में डाला उसके बाद उसकी पढ़ाई में और ज्यादा निखार आया और आज जो है वो आकाश की बदौलत है इस पूरे नाइन्थ से एज यू सेड के आपने एनरोल किया था तो इन पूरे चार सालों में कभी आपको ऐसा लगा कि शायद आपने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया किसी भी टाइम पर आपको ऐसा लगा था कि शायद ये ना कर पाए नहीं मैम क्योंकि वहाँ के टीचर इतने अच्छे थे और इसके जब समय समय पे टेस्ट भी होते थे उससे मुझे समझ में आता था कि अच्छा है तो सर जितने भी, भी सलाह रहेगी उनका बच्चा अच्छे से कर रहा है और उसको ध्यान रखें और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए पेरेंट्स को पेरेंट्स को चाहिए बच्चे के ऊपर कभी प्राइज नहीं करें उन पे दबाव ना डालें अगर मान लो कुछ आ, कम नंबर आ रहे हैं इसे उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है उसको समझाएं समझाने से बच्चा जल्दी समझता है डांटने से नहीं समझता इसलिए उसको अच्छे से समझाएं तो वो अपने आप करेगा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने समय निकाल के हमसे बातचीत की एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई डेफिनेटली सी इन द डॉक्टर कोर्ट फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत शुक्रिया सर uh, तो ये थी हमारी चैंपियन ऑफ आकाश प्रगति थैंक यू सो मच थैंक यू